दोस्तों, मैं अंजनी कुमार अपने YouTube चैनल ट्रेड विद अंजनी में एक बार पुनः एक नई जानकारी एक नए अपडेट के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूं और अपने चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को याद दिलाऊं कि स्क्रीन पे जो डिस्क्लेमर है उसको पढ़ के आगे बढ़े ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, मिसकम्युनिकेशन ना हो। साथ ही साथ दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को पूरा पूरा देखें ताकि आपको पूरी पूरी जानकारी मिल सके और आप इसका पूरा पूरा लाभ उठा सकें। दोस्तों, अभी जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वह काफ़ी कई लोग इस पे प्रश्न कर चुके, और चूँकि मैंने बहुत सारे शेयर्स कवर किए हैं तो सब पे करंट अपडेट देने में हमें समस्या हो रही है। साथ में दोस्तों, आप लोगों को बताऊं कि आप लोगों के आशीर्वाद से मैं जॉब करता हूँ, तो जॉब जहाँ करता हूँ वो भी जॉब नॉर्मलाइज हो गया है। कोरोना में काफ़ी समय मिला मुझे घर पर, जिसके कारण मैंने इतने वीडियो बनाए, तो थोड़ा वीडियो बनाने में अब देरी भी होगी और बहुत कम वीडियो बन पाएगा। लेकिन आप लोगों के डिमांड को ध्यान में रखते हुए जहां भी हम कर सकते हैं जितना उतना जरूर करेंगे। दोस्तों, तो आज जिस कंपनी के बारे में मैं वीडियो लेके आया हूं उसका नाम है विकास प्रोपेंट्स एंड ग्रेनाइट लिमिटेड। दोस्तों, इस पे मैं लगभग 3 वीडियो पहले बना चुका हूँ, एक इसके फंडामेंटल एनालिसिस का और 2 इसका अपडेट पहले समय समय पर दिया हूँ, वो हमारे वीडियो सेक्शन विजिट करने से मिल जाएगा। और मैं कोशिश करूंगा कि लेटेस्ट जो वीडियो है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूं। दोस्तों, अभी जो विकास प्रोपेंट्स एंड ग्रेनाइट लिमिटेड का रेट है 3.14 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है, BSE का क्लोजिंग प्राइस है। दोस्तों, आपको बताऊं कि विकास प्रोपेंट्स एंड ग्रेनाइट लिमिटेड जो है पहले ग्वार गम के बिजनेस में थी, बाद में यह अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने के लिए यह प्रोपेंट्स एंड ग्रेनाइट बिजनेस में आ गए और उसका नाम भी उसने चेंज कर दिया। दोस्तों, प्रोपेंट्स जो होता है वह वाइल ड्रिलिंग में यूज होता है और जितने भी वाइल एक्सप्लोरेशन कंपनी है उसका यह बहुत ही ज़रूरी मटेरियल है, इसके बिना वो वाइल ड्रिल नहीं कर सकती है। और ग्रेनाइट, आप लोग सभी लोग जानते हैं ग्रेनाइट का क्या यूज होता है। ग्रेनाइट पत्थर का हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं और भी जगह होता होगा। तो दोस्तों, जो प्रोपेंट्स बनता है वो ग्रेनाइट के वेस्ट मटेरियल से बनता है और ग्रेनाइट का भी ये कारोबार करती है और उसके बाई प्रोडक्ट जो उसके वेस्ट मटेरियल हैं उससे प्रोपेंट्स बनाती है, जिसके कारण प्रोपेंट्स बिजनेस में इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 92% तक है। पिछले क्वार्टर, ये जो मार्च क्वार्टर है उससे पहले वाला जो क्वार्टर था उस क्वार्टर में 64% के आसपास था इसका मार्जिन, और मार्च क्वार्टर में 92% के आसपास दिया था, इस पर हमने वीडियो भी बनाया था। दोस्तों, तो यह बहुत ही हाई मार्जिन है और इसको कई ग्लोबल कंपनी से, खास कर रसिया से प्रोपेंट्स का एक बहुत बड़ा ऑर्डर भी मिला था और उसके बारे में भी हमने पिछले वीडियो में जानकारी दी थी। तो कंपनी के पास ऑर्डर की कमी नहीं है। दोस्तों, अब आती है बात कि जोधपुर के निकट कपर्दा एक जगह है, जोधपुर से 47 किलोमीटर दूर, वहाँ पे इसको ग्रेनाइट्स का एक बहुत बड़ा ब्लॉक मिला है, बहुत बड़ा माइंस मिला है। और कंपनी का यह कहना था शुरू में, जिसके स्क्रीनशॉट्स आपके स्क्रीन पे मिलेंगे, तो कंपनी का कहना था कि इससे जो कंपनी का एक्सपेक्टेड EPS है वो 7 रुपीज़ पर ईयर हो जाएगा। अब कंपनी ने 18 मई 2020 को डिक्लेरेशन दिया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को कि हमें ये ग्रेनाइट ब्लॉक मिला है और उसके सेल्स से 7 रुपीज़ के आसपास EPS जनरेट होने की संभावना है और लगभग जो उसका सेल्स वैल्यू है 350 करोड़ के आसपास आने की संभावना है। ये इसने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को 18 मई को बताया था। 16 जुलाई को इसने एक और डिक्लेरेशन दिया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को, उसमें इसने बताया कि जो ग्रेनाइट का काम है कपर्दा डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे काम शुरू हो गया है। और अगेन उसने रिपीट करी कि जो इस बिजनेस से जो टारगेटेड EPS है, जो कंपनी का मोटो है, मैनेजमेंट का मोटो है कि हम अपने शेयर होल्डर्स के लिए जनरेट करेंगे, वो 7 रुपीज़ है। अगेन 7 जुलाई से पहले 7 जुलाई को भी इसने अगेन
सूचना दी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को कि ग्रेनाइट का काम हमारा जल्द ही शुरू हो जाएगा, और टैट नेफ्ट करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जिससे इसका ऑर्डर है, वहाँ से कुछ टेक्निकल लोग हमारे प्लांट को विजिट करेंगे और जल्दी से जल्दी प्रोपेंट के प्रोडक्शन का काम शुरू करेंगे, क्योंकि फॉरेन का शिपमेंट जो है और वो जो फ्रेट फॉरेन फ्रेट सर्विस है वो बंद है, उसके चालू होते ही प्रोपेंट्स का प्रोडक्शन शुरू करके उसकी एक्सपोर्ट शुरू हो जाएगी, जो खास के रसिया से जो ऑर्डर है। तो इन सभी चीज़ों में कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसका टारगेट 7 रुपीज एक कैलेंडर ईयर में EPS जनरेट करने का है, जबकि अभी कंपनी का प्राइस मात्र 3 रुपीज 14 पैसे है। दोस्तों अब कंपनी का जो छोटा सा मैं ब्रीफ कर दूं कि आज के रेट में कंपनी का बुक वैल्यू 3 रुपीज 92 पैसे है, 52 वीक हाई लो की बात करूं तो 12 रुपीज 55 पैसे का इसका हाई है, 2 रुपीज 69 पैसे का लो है। कंपनी का ROC 23% से ऊपर है और ROE भी 32% से ऊपर है। कंपनी ने 10 पैसे का इस साल डिविडेंड भी दिया है जो लगभग 3% के आसपास होता है, और कंपनी अपने कर्ज को भी घटा रही है। इन सब चीज़ों से ऐसा प्रतीत होता है कि जो मैनेजमेंट कह रहा है कि हम हाईएस्ट EPS जनरेट करने की कोशिश करेंगे, 7 रुपीज EPS हमारा टारगेट है एक कैलेंडर ईयर में जनरेट करने का, तो कोरोना पेंडेमिक से निकलने के बाद वह शायद इस टारगेट को अचीव भी कर सकता है। अगर मैं कहता हूं कि 50% भी अगर वह इस टारगेट को अचीव करता है तो आपके लिए बहुत बड़ा प्राइस मूवमेंट इसमें बनता है और बहुत ही बड़ा कंपनी में स्कोप बनता है, क्योंकि अभी तो 3 रुपीज ही है। मान लीजिए 7 रुपीज की जगह पे 3 रुपीज का भी अगर EPS कंपनी जनरेट कर पाती है तो कम से कम 5 के PE पे भी इसका रेट 15 रुपीज होना चाहिए। तो कंपनी में अच्छा एक ग्रोथ है। अगर 1 रुपीज का भी EPS जनरेट करता है तो भी कंपनी में ग्रोथ होने की संभावना है, प्राइस ग्रोथ होने की संभावना है। तो दोस्तों इससे पहले भी मैंने बोला था कि विकास प्रोपेंट्स का जो मैनेजमेंट है अगर उसकी बात को सही मान लिया जाए, अगर उस पर भरोसा किया जाए तो यह कंपनी भविष्य में बहुत ही अच्छा प्रॉफिट शेयर होल्डर को कमा के देगी। दोस्तों कंपनी के अंदर और मालिक या मैनेजमेंट के मन में क्या चल रहा है वो तो हम लोग नहीं बता सकते, लेकिन जो उसका अभी तक का प्रोजेक्शन है और जिस तरीके से उसकी एक्टिविटी है उससे लगता है कि कंपनी अच्छा खासा शेयर होल्डर को प्रॉफिट कमा के देगी। इसलिए यह वीडियो बिल्कुल इन्फॉर्मेटिव बना हुआ है, और अभी तक हमने आपको निवेदन नहीं करी कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। ऐसे वीडियो मैं लाता रहता हूं, और मेरा परफॉर्मेंस देखने के लिए परफॉर्मेंस वीडियो भी नहीं बना पा रहा हूं ज़्यादा, वीडियो सेक्शन का विजिट जरूर करें और आपको उससे पता चलेगा कि हमारा परफॉर्मेंस कैसा होता है। मेरा जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ही सिंपल प्रेजेंटेशन है, क्योंकि PPE पॉइंट और उतना मेरे पास वक्त नहीं है कि उसको लुक दूँ, तो इसलिए मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है यूट्यूब पर और मेरी जानकारी से आप लोग लाभान्वित हो रहे होंगे, इसका भी मुझे आशा है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करके अपने भावनाओं से मुझे अवगत जरूर कराइए। दोस्तों ध्यान रखिएगा यह वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए है, जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके आधार पर आप अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए आप खुद से रिसर्च करके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं, इसके आधार पर कृपया इन्वेस्टमेंट डिसीजन ना लें। इसी के साथ मैं अंजनी कुमार आप लोगों से विदा लेता हूँ, फिर अगले वीडियो में मिलूंगा एक नई जानकारी एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।